दुनिया भर में किसी भी हुकूमत का बुनियादी फरीजा अवाम उन्नास की फलाह बहबूद के लिए पॉलिसी और कानून साजी, उन पर अमल दरामद और अवाम उन्नास को सरकारी खिदमात की फराहमी होता है। 1980 की दहाई में पब्लिक मैनेजमेंट के एक नए तसव्वुर ने जन्म लिया और पब्लिक सेक्टर कंपनीज की तरफ रुझान बढ़ा। नेशनल हेल्थ सर्विसेज कंपनी बर्तानिया में हेल्थ केयर सिस्टम चला रही है। कनाडा में टोरंटो हाइड्रो और ऑस्ट्रेलिया में ऑस ग्रिड पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, जो बिजली की तरसील का निजाम चलाती हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनीज के कामयाब मॉडल को पंजाब में भी अपनाया गया, जहां इस वक्त 52 पब्लिक सेक्टर कंपनीज फाल हैं, जिनमें 12,500 से ज्यादा प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। इन 52 कंपनीज के सरबराहान में से सिर्फ 7 सिविल सर्वेंट्स हैं, जो मुकाबला जाति बुनियादों पर इन ओहदों के लिए मुंतखब हुए। हर कंपनी में अपने शोबे के माहिर अफराद पर मुश्तमिल गवर्निंग बोर्ड इंतजामी और मालियाती उमूर की निगरानी करता है। ये कंपनीज न सिर्फ मारूफ निजी ऑडिट फर्मों से अपना सालाना ऑडिट करवाती हैं, बल्कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से भी अपना ऑडिट करवाने की पाबंद हैं। मुल्क को अंधेरों से निकालने के लिए 9 पब्लिक सेक्टर कंपनियां कायम की गईं। कायदे आजम सोलर पावर कंपनी के तहत बहावलपुर में कायम शुदा पाकिस्तान का पहला सोलर पार्क अब तक 42 करोड़ से ज्यादा किलोवाट आवर यूनिट पैदावार दे चुका है। रिकॉर्ड मुद्दत में पाया तकमील को पहुंचने वाले साहिवाल कोल पावर प्लांट और भिक्की पावर प्लांट वगैरह ही का नतीजा है कि आज लोड शेडिंग आखिरी सांसें ले रही है। पंजाब एजुकेशनल एंडाउमेंट फंड कंपनी 17 अरब रुपए के साथ अब तक 2,35,000 से ज्यादा तालिबा और तालिबात को वजायफ मुहैया कर चुकी है। पंजाब के 4 बड़े शहरों में कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनीज कायम की गयी। लाइफ स्टॉक में उठाए जाने वाले तारीख साज इकदाम ही का नतीजा है कि आज पंजाब दूध और गोश्त की पैदावार में दुनिया का 5वां बड़ा खिता बन चुका है। पंजाब के 7 शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज कायम की गयी, जो महाना लाखों टन कूड़ा करकट इकट्ठा करके आलमी मायारात के मुताबिक इसे तल्फ कर रही है। आज लाहौर जनूबी एशिया के साफ और खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार होता है। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी और पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी शोबे सेहत में एक नए दौर का आगाज कर रही हैं। पंजाब के मुंतखब 4 अजला में 12,80,000 खानदानों को सालाना 3 लाख रुपए फी खानदान हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत फराहम करते हुए उन्हें पाकिस्तान सेहत कार्ड फराहम किए जा रहे हैं। इन्हीं कंपनियों के जरिए 7 अहम गैर तिब्बी खिदमात की फराहमी के लिए मारूफ निजी कंपनियों के साथ इश्तराक किया जा रहा है। अस्पतालों में रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी सर्विसेज की 24 घंटे दस्तियाबी और अरबों रुपए की मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। पब्लिक सेक्टर ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ रोजाना लाखों शहरियों को अरजां और बावकार सफरी सहूलियात फराहम कर रही हैं। पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी कम आमदनी वाले बेघर अफराद के लिए आशियाना हाउसिंग स्कीमें मुतारिफ करवा चुकी है, जहां शफाफ तरीक़ेकार के तहत हजारों अफराद को सैकड़ों घर आसान अकसात पर फराहम किए गए हैं। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड कंपनी अब तक 2 लाख से ज्यादा मुस्तहिक नौजवानों को मुफ्त फनी तरबियत फराहम कर चुकी है। साउथ पंजाब फॉरेस्ट कंपनी निजी शोबे की हौसला अफजाई करते हुए हजारों एकड़ अराजी पर जंगलात उगाने के मंसूबों पर तनदही से काम कर रही है। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंजाब सूबे में सियाहत के फरोग के लिए सरगर्म अमल है। हुकूमत पंजाब तरक्याती मंसूबों की तेज तर तकमील के साथ साथ करप्शन के खात्मे और बचत के कल्चर को फरोग दे रही है, जिसके बायस तरक्याती मंसूबों में कौमी खजाने के लगभग 300 अरब रुपए की बचत की गयी। इस जिम्मे में इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने भी शानदार किरदार अदा किया। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे में कुल बचत 76 अरब रुपए, लाहौर रावलपिंडी और मुल्तान मेट्रो बस सिस्टम कुल 4.6 अरब रुपए, भिक्की पावर प्रोजेक्ट $354 मिलियन से ज्यादा और इसकी बेहतर कारकर्दगी के बायस 49.88 मिलियन डॉलर की बचत, 1,263 मेगावाट झन थर्मल पावर प्लांट नेपरा के मुकर्रर करदा टैरिफ से 48 अरब रुपए कम की लागत पर मुकम्मल होगा। कायदे आजम सोलर पार्क मंसूबा बोली की रकम से 13.25% कम कीमत पर तकमील। अपना रोजगार स्कीम 2.80 अरब रुपए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मंसूबे 11 अरब रुपए। नॉलेज इकोनॉमी यानी इल्म पर मबनी मईशत, ये जो है ये सबसे अहम चीज बन गई है। तो हम नई यूनिवर्सिटीज कायम करने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का ये ख्वाब था कि उन बच्चों को भी तालीम की बेहतरीन सहूलतें मिलनी चाहिए जो सलाहियतें रखने के बावजूद माली वसाइल ना होने की वजह से आगे बढ़ नहीं पाते। पिछले कई सालों में जो वज़ीर आला साहब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में
جو کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے خاص طور پہ انفراسٹرکچر سیکٹر میں اور انرجی سیکٹر میں, اس نے ایک بہت ہی خوبصورت اسٹیج سیٹ کر دیا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے آنے کے لیے. اس محکمے کی بہترین کارکردگی کی وجہ سے بیسک ہیلتھ یونٹس کے اندر 90% ڈاکٹر لوگوں کے خدمت کے لیے معمور ہیں, 100% کوالٹی میڈیسن فری آف کاسٹ مفت ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے. انہی جیسے درجنوں ماہرین ان پبلک سیکٹر کمپنیز کے انتظامی امور کی انجام دہی میں مگن ہیں. قائد کا پاکستان ہماری منزل ہے اور ہم جانب منزل رواں دواں ہیں. حکومت پنجاب.